काम कर लेते, नाओ फिल्म देख लेते। वो मैं बताता हूँ प्रीमियर भी, जब तक प्रीमियर आए तब तक ये फिल्म देख लो, अच्छी लगेंगी तुमको तो ताली बजा देना। सर, हाँ सभी सभी की तरह, और किसको? अरे क्या सीखे ऑनलाइन, क्या सीखे हम लोग? कुछ नहीं, सर ने दिखा दिया, हमने देख लिया। हेलो, कुछ देख भी ले। अरे जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करो। हम लोग हमेशा दूसरों की कमी निकालते निकालते क्या? वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा ही रहने वाला है, वो थोड़ी ना चेंज होने वाला है। तुम उसको वैसा एक्सेप्ट करना सीखो, दुनिया ने उस मतलब भगवान ने उसको वैसा ही बनाया है। तो क्या बोलने का, जो जैसा है उसको, तो अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा बिहेव कर रहा है तो तुम लोग क्या करोगे? नहीं, तुम उसको चेंज करोगे ना, और खुद के दिमाग का टेंशन बढ़ाओगे। क्या करना चाहिए तुमको? उसके साथ अगर रहना है तो तुम जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करो। या यहाँ पे छोड़ने वाली बात नहीं बताए, छोड़ने वाली बात मैं बता रहा हूँ, या फिर छोड़ दो। नहीं तो तुम बोलोगे सर वहाँ पे तो वो बात बताई नहीं, वो तो आप एक्स्ट्रा बता रहे हैं। कोई सेकंड पार्ट बताएंगे, पिक्सार की फिल्में इतनी जबरदस्त होती है, ये हमेशा अपने को कुछ सिखाती है। तो क्या होता है कि हम लोग, मैं हमेशा अपने कम लेक्चर्स को बनाता था, मेरे पुराने लेक्चर्स हैं अभी तक चल रहे हैं। रीजन इज कि बेसिक सेम रहते हैं सब जगह। तो करीब मैंने बनाया था 2008 में वगैरह बनाए थे ये पूरे स्लाइड्स वाइज, अभी भी चल रही है, अभी मैं चेंज भी नहीं करता। द रीज़न इसकी ये चेंज कर देता हूँ, देखो अभी वाला मूवी मैंने डाउनलोड किया और फिर चेंज किया, वो बाकी सब चेंज होता है। तो मैंने बताया था कि तुम लोग जो भी करते हो, क्या करते हो, एनिमेशन में, वीडियो एडिटिंग में कंपोजिशन करते हो। क्या करते हो? एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम के साथ कंपोजिट करते हो, एक सीन को दूसरे सीन के साथ करते हो, एक शॉट को दूसरे शॉट के साथ करते हो, और वो सब परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा तुमको लगता है ना? अच्छा क्यों लगता है? कोई पिक्चर अच्छी क्यों लगती है और कोई पिक्चर बुरी क्यों लगती है? कभी सोचा है क्या? वो गाने का नाम नहीं आया, एक गाने है पिक्चर कौन सा है वो देख रहा हूँ, सलमान खान रानी मुखर्जी, कहीं प्यार ना हो जाए, ठीक है? ये मूवी के गाने देखते हैं अपन। सावरिया नाम की एक गाना है इसमें, ठीक है? हाँ नहीं बोला ना, मेरे को इतना याद रहता। देखो नहीं अभी ये क्यों याद रहा, सुनते हैं गाना, सुनो।
ठीक है वही देख लेना गाना मैं डाल देता हूँ। डाल दिया चेक करने का अपन गाने को। तो हमने क्या बताया कंपोजिशन क्या होता है ये हम लोग एक्सप्लेन करने व्हाट इज कंपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कंपोजिशन कोई अच्छा फोटो निकालता है ये हमको कैसे पता चलता है क्वालिटी तो मोबाइल के ऊपर या इंस्ट्रूमेंट के ऊपर होती है। फ्रेम फ्रेम मतलब क्या का दाखल है वो कैसे पता चलता है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं वो रूल्स पता चल गए तो अपने आप फ्रेम आ जाता है। तो क्या होता है कि हम लोग हमारे पास भी कैमरा है और प्रोफेशनल आर्टिस्ट के पास भी है वो भी एक बंदा है सिर्फ मोबाइल से पूरा वीडियो मतलब पूरा वेडिंग शूट करता है आईफोन से पूरा वेडिंग शूट करता है। तो वो वेडिंग आईफोन से शूट कर रहा है तो हम भी शूट कर सकते हैं फिर हम में और उसमें क्या फर्क है विजन विजन हमारे पास नहीं है वो विजन क्या करना पड़ता है हमको फाइंड आउट करना पड़ता है हमको पता नहीं होता है तो हम लोग पता कर लेते हैं बहुत बहुत डिफिकल्ट ही है प्रैक्टिस करना पड़ता है उसके सिवा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब भी हम लोग फ्रेम की बात करते हैं जो हम लोगों को हमेशा बताया जाता है कि भाई कंपोजिशन होना चाहिए फ्रेम होना चाहिए पेंटिंग कर रहे तो पेंटिंग कुछ भी बनाओ तो अच्छी लगती है नहीं लगती तो हम लोग कोई बोलते कि वह ये पेंटर तो एक्चुअली पेंटर से फोटोग्राफर ज़्यादा ब्रिलियंट होता है। वाई पेंटर के पास टाइम होता है वो अगर इमेजिनरी फोटोग्राफ बना रहा है तो बात अलग है पर जनरली वो अगर पोर्ट्रेट बना रहा है तो उसके पास टाइम है इसको लाइन पे लाने का लेकिन फोटोग्राफर के पास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है उसको कैप्चर करने का और उसको वो सब कुछ ढेर रहना पड़ता है। तो तुम्हारे मोबाइल में कैमरे में एक इंस्ट्रूमेंट होता है आई डोंट नो तुम्हारे पास है कि नहीं देखो मोबाइल में ऐसी ग्रिड है ठीक है वही बनाई ना और वो भी पिक्सर के लिए क्योंकि पिक्सर इज द बेंचमार्क पिक्सर से बेहतर फ्रेमिंग कोई नहीं करता दुनिया में क्या बोल रहा हूँ कोई नहीं करता दुनिया में इतना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता तो इसलिए मैंने वो गाना भी दिखाया और वो तुमको वो दिखाया पार्टली क्लाउडी तो तुम बोले कि नहीं सर वो एनिमेटेड है करके अच्छा नहीं देख लो मैं फ्रेमिंग की बात करूँगा वो स्टोरी उसकी छोड़ दो लेकिन हम लोग देखेंगे आगे। तो जो हम लोग बोलते हैं उसको कंपोजिशन वो कंपोजिशन क्या करता है ये हम लोग ये चार बेसिक एलिमेंट्स हैं क्या इससे भी ज़्यादा होते हैं पर अगर मुझे अच्छा फ्रेमिंग करना है तो हमको क्या देखना है पोजिशनिंग ऑफ द कंपोनेंट्स क्या है वो भी तो पता होना चाहिए शेप्स इन कंपोजिशन देन लीडिंग आई टू द सेंटर ऑफ इंटरेस्ट और बैलेंस। अब ये इसमें से बैलेंस तुम लोग समझ लोगे अभी अगर मैं बोलूं बैलेंस क्या होता है बैलेंस इज बैलेंस सर इट इज कॉल्ड बैलेंस नहीं अभी सीसॉ पे बैठे तो एक साइड में हेवी वाला बैठ गया तो ऊपर वाले नीचे नहीं आएगा ना दूसरा जो ऊपर गया वो नीचे कभी नहीं आएगा क्यों अभी कल ही मैं अपनी बेटी के साथ सीसॉ पे बैठा था वो बोली मेरे को बैठ मैं बोला मैं बैठूंगा तो तू नीचे कभी नहीं आएगी तो मैं हाथ से ही कर रहा था उसको रीजन इज वो जो सीसॉ होता है उसको अगर गांव में जाएंगे तो उसको घान मार कर देते उनको पता नहीं होगा लकड़े रखते उसको होल कर देते नीचे होता है एक इतना इतना हाइट का वो गोल भी घूमता है ऐसे ऐसे भी होता है गोल भी घूमता है हाँ तो वो नहीं वो अलग होता है। तो हम लोग जो रूल्स देख रहे देखो क्या होता है कि हमेशा हम लोगों को रूल्स पता होने चाहिए जिस गेम के रूल्स तुमको पता है वो गेम तुम इजीली जीत सकते हो नहीं तो नहीं जीत सकते तो क्या पहले ही आउट हो जाएंगे है ना लगोरी खेलते खेलते वो बॉल अपने को लगा तो अपन आउट है करके पता नहीं चलेगा तो क्या होगा
जैसे हम लोग कबड्डी खेल रहे हैं और हमको पता है वो लाइन को हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते, कौन पकड़ने वाला भी और आउट करने वाला भी, उसने अगर थोड़ा सा अगर अपना पैर पीछे लेके गया तो उसको वो जो अंपायर रहता है वो खड़क से बाहर निकल देता है, हाथ पकड़ के खींच लेता है। हाँ, सिटी मारने सीटी नहीं मारता, हाथ पकड़ के बाहर खींच देता है। खेले हो कि नहीं कबड्डी? तो ऐसे कभी अगर वो पीछे अपना पैर चला गया, ऐसे भी हो गया, हाथ पकड़ के बाहर खींच देता है। तो अगर रूल्स पता रहे तो हम लोग ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। जैसे फिर वो उसको रूल पता होता है कि भाई ये अगर बीच वाली लाइन को क्रॉस नहीं करा है और इसको हमने ढकेल दिया बाहर एरिया के, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको आउट कर सकते हैं जो हमारे पास आया आउट करने के लिए। तो कुछ रूल्स अपने को पता होने चाहिए। तो अपने यहाँ का फेवरेट अपना सेंटेंस होता है, रूल्स आर फॉर फूल्स। तो गधे को पता होना चाहिए पहले रूल्स, तो फिर वो ब्रेक कर सकता है। तो हम लोग पहले रूल्स सीखेंगे, फिर क्या ब्रेक करना है तो कर सकते हैं, पर जनरली अभी पिक्सार ब्रेक नहीं करता तो हमको ब्रेक करने की ज़्यादा ज़रूरत, मतलब वो 99.99% होता है कि हमको शायद ज़रूरत पड़े ब्रेक करने की, पर 99.99% तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर तुम ये सीख लेते हो तो तुमको बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलो ठीक है, देखते हैं। तो प्लेसिंग सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, तो व्हाट इज सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वो फ्रेम का आई कैचिंग थिंग, मतलब वो फ्रेम में क्या इंटरेस्टिंग है, उसको कहाँ रखना है। उसके दो मेथड्स हैं, वो दो मेथड है, एक है रूल ऑफ थर्ड, एक क्या है जो तुम्हारे कैमरे में है, वो फ्रेम को तीन हिस्सों में डिवाइड कर देता है वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। दूसरा है गोल्डन सेक्शन रूल है, जिसमें हिस्से को 13 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अब बहुत ज़रा डिफिकल्ट होता है, 13 हिस्सों में डिवाइड करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, बट उसको 13 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं एंड देन उसके भी कॉमन पॉइंट्स निकाल देते हैं। तो हम लोग पहले रूल ऑफ थर्ड्स को देखते हैं, फिर गोल्डन सेक्शन भी देखेंगे। तो ये रूल ऑफ थर्ड है सबसे इजी, इससे ज़्यादा इजी और कुछ नहीं हो सकता। सो डिवाइड हाइट एंड विड्थ इंटू 3 सेक्शंस, फिर प्लेस द सेंटर। किसी ने कभी सोचा नहीं क्या वो तीन हिस्से क्यों होंगे कैमरे में? किसी को नहीं पता और किसी ने सोचने की कोशिश भी नहीं की कि क्यों है भाई, किसी को पूछा भी नहीं कि वो कैमरे में तीन क्यों दिए, है ना। आस्क द क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें क्या है, वो तीन हिस्सों में डिवाइड करने के बाद ये 4 सेक्शंस आ जाते, 4 पॉइंट्स आ जाते, आ गए आगे ना। यही हमारे सेंटर ऑफ इंटरेस्ट है, ये चारों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है पूरे फ्रेम में, बिकॉज इन चारों की तरफ ही सबसे ज्यादा ध्यान जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें सेक्शन किया है करके, तुम अगर अच्छी फोटोग्राफ्स वगैरह देखोगे तो वो इसी की वजह से अच्छी लगती है। तो बहुत ईजी है, आगे जाते हैं हम। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स है, तुम बोलोगे सर सेंटर में क्यों नहीं है, ये कैरेक्टर सेंटर में क्यों नहीं है, सेंटर में सिर्फ भगवान होता है, मतलब उस फ्रेम का भगवान। तो अगर तुमको दिखाना है कि इससे पावरफुल इस फ्रेम में कुछ नहीं है तो तुम किसको रखोगे, वो कैरेक्टर को रखोगे यहाँ पर। पर अगर ऐसा है कि एक कैरेक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कैरेक्टर या प्राइमरी ऑब्जेक्ट, फिर होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, फिर होता है टर्शरी ऑब्जेक्ट। मतलब क्या, प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, मैं, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ। सेकेंडरी क्या है, तुम लोग। टर्शरी क्या है, वो फैन, टर्शरी है, लीस्ट पॉसिबल ध्यान होता है उसकी तरफ। लेकिन खाट से कोई आ गया, एकदम स्टूडेंट आ गया और कोई और आ गया, तो क्या होगा, कैमरा उसकी तरफ जाएगा ना, क्योंकि क्या है, नया कैरेक्टर एंटर हुआ, फिर आके वो यहां बैठ गया, इसका मतलब क्या, अगेन वो सेकेंडरी होते जा रहे हैं। उसमें भी हम लोग डिवाइड कर सकते कि सेकेंडरी में ये ज़्यादा पास में, इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है मेरा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्राइमरी हम लोग बोल सकते हैं इनकी तरफ ज़्यादा। कोई एक छोटा बच्चा आ गया तो तुम टर्शरी बन जाते हो, वो सेकेंडरी बन जाता है, वाई, क्योंकि उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान जाना जाता, तो चेंज हो जाता है फ्रेम, फ्रेम में चेंज होता है, शॉर्ट शॉर्ट में चेंज हो जाता है। पर
फोटोग्राफ भी निकालते हो तो ये ध्यान में रखो। देखो क्या किया है इसमें, चार पॉइंट है। फोटोग्राफ ये चीज का ध्यान, ये चीज के ऊपर मतलब ध्यान लगाए रहता है कि कब मेरे फ्रेम में वो बंदे आएंगे या मैं उसको एडजस्ट करूं। शेर आएगा तो शेर का सर इधर रहेगा, उसका पैर वैर इधर रहेगा। अगर वो शिकार कर रहा है या जंप कर रहा है तो वो यहां से यहां पे जंप कर रहा है। उसमें भी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। व्हाई? क्योंकि हम लोग लिखना स्टार्ट करते यहां से और एंड करते ऐसे लिखते ना, तो इसीलिए ये पॉइंट और ये पॉइंट का इंपॉर्टेंट उसमें भी ज्यादा होता है। तुम बोलोगे सर ये ठीक है, यहाँ पे ये बंदा बैठा है करके, इसने यहाँ पे ये टोकरी रखी है, इधर ये रखा है, इधर कोई काम नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं, पॉइंट सी है सिर्फ, पर मेन उसने इन दोनों को ध्यान में रख के फोटो खींची ना। फिर ये है, यहां पे क्या किया है, देखो उसकी आंख, मधुमक्खी की आंख सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी होती है। उसने वो दिखाने के लिए उसको क्या किया है, यहां पे फोकस किया है। तुम बोलोगे ये पीछे क्यों छोड़ा है, उसका रीजन है, सम रीजन। अभी जैसे ये बदक है ना, ये क्या हो रहा है, तुम बोलोगे सर ये वाले पॉइंट पे डाला, मैंने तुमको बताया था कि कुछ पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये, लेकिन इससे क्या क्रिएट हो रहा है, ये रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं। वो दिखाने के लिए इसको आगे दिखाया और इसको पीछे दिखाया, मतलब वो रिपल्स दिखाने के लिए, उसके पैर के उसके मूवमेंट की वजह से क्रिएट होने वाले रिपल्स को दिखाने के लिए क्या दिखाया है इसको, नहीं तो ये कहां होता, यहां होता, कहां होता, यहां। अगर खड़ा होता तो यहां होता, ये चल रहा है करके यहां पे दिखाया। जनरली क्या होता है, फ्रेम में हम लोग चल रहे हैं तो मेरे सामने की स्पेस दिखाते दौड़ने के लिए, जब मैं दौड़ रहा होता हूं तो मेरे सामने की स्पेस दिखाते, वाई, क्योंकि मैं कहां दौड़ रहा हूं ये देखना चाहिए, पीछे का नहीं दिखना चाहिए। मैं जहां दौड़ रहा होता हूं वो स्पेस दिखाई जाती है, ठीक है। देन गोल्डन सेक्शन में क्या होता है, तो 13 हिस्सों में डिवाइड करते हैं फ्रेम को, कितने, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और उसमें आठवां जो सेक्शन होता है उसको पॉइंट आउट करते हैं। ये देखो 13 हो गए, इसमें से आठवां, ये अगर 13 है तो इसमें से ये आठवां, या इसमें से ये आठवां यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ से आठवां यहाँ पे आएगा, यहाँ से आठवां यहाँ पे आएगा, उल्टा भी कर सकते, वॉट एवर, नीचे से ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गोल्डन सेक्शन तुम 13 हिस्सों में डिवाइड, पर ये जरा 13 हिस्से करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो दैट्स व्हाई वी यूज रूल ऑफ थर्ड, ठीक है, समझ में आया। इंग्लिश है, पढ़ लेना, दे दूंगा, शेयर कर दूंगा ये तुम्हारे साथ में ना। देखो अगर मुझे फूल का बड़ा भी फोटो निकालते वक्त तुमको ध्यान में आ जाएगा कि फोटो अच्छे कैसे निकालना है, तो अभी अगर मेरे को फोटो निकालनी है, अभी तुम लोग तो सेल्फी वाले लोग हो ना, अरे हो कि नहीं, तो अभी तुमको समझ में आ जाएगा कि मेरे को अगर फोटो निकालना है तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैंने निकाल लिया फोटो, किसका, मैंने फोटो निकाला फैन का, पैन का फोटो निकाला, सिंपल निकाला। तो अभी कुछ भी एलिमेंट, हेलमेट रखा है, कुछ भी रखा है तो तुम उसके फोटोग्राफ्स निकालो, गाड़ी बाहर जाके, फूल पौधे पत्ते कुत्ते आदमी, यू नो, अगर मेरे हाथ में सिगरेट है तो सिगरेट भी कहाँ होनी चाहिए, इस पॉइंट पे नीचे, बिकॉज स्मोक जाएगा ऊपर, हमको स्मोक भी दिखाना है, राइट, स्मोक ऊपर जाता ना, तो साइकिल दिखानी है। अभी देखो ये ऊपर देख रहा है तो इसका इंपॉर्टेंट ये विजन है यहां से, इसीलिए ये यहां पे रखा हुआ है। यहां पे सबसे ज्यादा सैचुरेशन होता है कलर्स का, पौधे के, मतलब फूल के नहीं होता, फूल देखे हो, नहीं, हाँ देखना, उसमें सबसे ज्यादा कलर्स का सैचुरेशन, तो कलर का सैचुरेशन भी सबसे ज्यादा कहाँ होना चाहिए, वो चार पॉइंट्स पे होना चाहिए। ये ध्यान में रख के फोटो खींचनी है, फोटो आप खींच के एडजस्ट नहीं करना है,
ये ध्यान में रख के फोटो खींचने, तो अपने आप एडजस्टमेंट हो जाएगा। अभी इसको सेंटर में रखा, मैंने क्या बोला था, सेंटर में किसको रखते हैं, भगवान को। ये बिल्डिंग भगवान हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, इसलिए उसको सेंटर में नहीं रखना, ध्यान में रखने का भी। ठीक है, इसको साइड में रख सकते यहां पे, तो ये फोटो अच्छी आएगी, राइट। फ्रेमिंग कर सकते हो, नेचुरल फ्रेमिंग है ना, यहां से अगर मैं खड़ा रहूंगा, ये दरवाजे के बीच में जो फ्रेम है, आईने की ग्लास है, उसके बीच में खड़ा रखूंगा तो अच्छा दिखेगा। तो ऑलवेज फ्रेमिंग तुम कर सकते हो किसी भी कंपोजिशन में, फ्रेमिंग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फ्रेमिंग जबरदस्ती मत करो, फ्रेमिंग है तो करो यूज। नेचुरल फ्रेमिंग होता है ना, वो बेल होती है ना, तुम उसको यूज कर सकते हो। मतलब यहां से ये आई है, जहां पे ग्राउंड से ये ऊपर गई है, ऐसे करके ये अगर ऐसे आती है तो फ्रेमिंग है, द नेचुरल फ्रेमिंग बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या बोलते हैं उसको, क्राउन, क्या बोलते हैं, अरे वेली लगाए बनता नहीं ऐसे, अरे उसको क्या बोलते हो, क्लाइंबर बोलते ना, क्लाइंबर बोलते क्या, अरे ये क्लाइंबर बोलते ना, वो जो बेल होती है उसको इंग्लिश में क्लाइंबर बोलते, क्लाइंबर बोलते क्या, ये बेल को क्या बोलते, क्लाइंबर ही बोलते इंग्लिश में। मैं तो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा, लोग पढ़े होंगे, जान दो छोड़ दो ना, अरे वेलिन ना काय बनता इंग्लिश में, इसने कुछ अलग ही दिखाया अपने को। ये जो दिखते ना, अगर ये भी मुझे अगर यूज करना है तो आई विल यूज ऐसा, ये फ्रेम है ऑलरेडी देखो, तो मैं इसको यूज करूंगा। तो मुझे यूज करते हो कैसे करना है, ये देखो, ये आई कैन यूज दिस। तो अपने जो भी फोटोज वो बाकी सब कुछ जो निकालते हो उसमें ये फ्रेमिंग लाने की कोशिश करो। बाहर जाओगे तो तुमको ध्यान में आएगा कि बहुत सारी जगह बहुत सारे कुछ फ्रेम्स हैं, सो विल यूज दिस। ठीक है, अभी देखो डूज एंड डोंट्स, मैंने क्या बताया, सेंटर में किसी ऑब्जेक्ट को नहीं रखने का। होराइजन जो होता है वो कभी सेंटर में नहीं होता है, होराइजन क्षितिज, उसको कभी हम लोग सेंटर में नहीं रखते। व्हाई नहीं, व्हाई, अरे जमीन के मुकाबले आसमान ज्यादा है ना, तो इसको हमेशा नीचे रखते, आसमान ज्यादा है तो ये यहां पे रहेगा तुम्हारा हमेशा, फोटोग्राफ्स निकालते वक्त ये सेंटर में रखा है, मैंने तुमको बताया सेंटर में नहीं रखते, ये यहां से यहां जा रहा है, सो इन टू द फ्रेम, कहा ये, इसको जाने के लिए जगह चाहिए कि नहीं। यहां पे हमारा ब्रेन जो होता है ना, राइट साइड ब्रेन जो होता है, वो ये चीजों को कैलकुलेट करता है और फिर डिसाइड करता है कि ये अच्छा है या नहीं है। अच्छा कब है, जब इसको पता है कि अरे भाई इसको जाने के लिए जगह है, ओके जगह है मतलब ये अच्छा दिख रहा है, इसको हमेशा पता है कि आसमान ज्यादा है, तुमको बताना नहीं पड़ता अपने ब्रेन को, तुमको अपने ब्रेन को बताना नहीं पड़ता कि नहीं हाँ यार होराइजन हमेशा नीचे होना चाहिए, 1/3 सेक्शन में होना चाहिए, मतलब वो जो रूल ऑफ थर्ड है ना उसके ये नीचे वाले लाइन में होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए रखते हैं हम लोग, लेकिन जनरली यहाँ पे होनी चाहिए, ये अपने ब्रेन को पता है। रूल्स कोई ऐसे बनाया नहीं किसी ने, रूल्स ब्रेन से एक्सट्रैक्ट करके बनाए होते हैं, तो तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही बता देते हैं अपना ब्रेन। तो ये यहां पे रखो, हमेशा फ्रेम में जाने के लिए होने चाहिए, होराइजन कहां होना चाहिए वो नीचे के इसमें होना चाहिए। ठीक है, फिर बैलेंस है, बैलेंस मतलब क्या कि समझ लो तुम लोग थोड़े दूर हो, ये तुम दोनों थोड़े दूर हो तो तुम छोटे दिखोगे,
तुम दोनों हो तो मैं सिंगल तुमको बैलेंस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं फ्रेम में पास नहीं हूँ तो मैं बड़ा दिखूंगा, तो मैं तुमको मैनेज कर सकता हूँ। तो अगर तुम ज्यादा हो जाते हो, 25-30 लोग हो जाते हो, तो मेरे को और एक बंदे को लेके आना पड़ेगा फ्रेम में। जबरदस्ती नहीं लाते हम लोग, या तो कम करते या तो ज्यादा करते, कभी कभी नहीं होता है, कभी पेड़ को लेके आएंगे बैलेंस करने के लिए। लेकिन देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये बंदे को लेके आए, मतलब ये बंदे को, मतलब ये यहाँ पे इसको लेके आए, तो ये बैलेंस करता है। क्या करता है यहाँ पे? दो है, सीक्वेंस सीक्वेंस नहीं, ये रूल है। ये बहुत सारे रूल को ध्यान में रख के फोटो निकालते, तो फिर फोटो आ जाती ठीक से। तो फोटोग्राफर को जो ट्रेनिंग दिया जाता है ना, वो ट्रेनिंग इसी इधर से ही आ जाता है। फोटोग्राफर में ये ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है। देखो यहाँ पे बड़ा है और ये क्या है, छोटे छोटे दो हैं, तो इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक बड़े को रख दिया। या तुम करीब चले जाओ, अरे तुमको हिलना पड़ेगा ना, तुम पास में चले जाओ तो अपने आप ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटे दिखेंगे। तो तुमको पेड़ है, समझ लो एक बड़ा पेड़ है और वहां पे दो छोटे पेड़ है, या ज्यादा ग्रुप ऑफ पेड़ है, तो थोड़ा पीछे आ सकते हो तुम, थोड़ा आगे जा सकते हो। कैमरे वाले देखे क्या कभी कि ऐसे फोटो निकालते? तुम लोग निकालते हो, कैमरे वाले सोके वगैरह ऐसे फोटो निकालते हैं ना? क्यों निकालते हैं? वो एंगल उनको मिलना चाहिए। वो कुछ कुछ लोग ज्यादा ओवर एक्टिंग करते, लेकिन वो एंगल मिलना चाहिए। आई नीड टू हैव दैट एंगल। वो एंगल नहीं रहा तो मेरा फोटोग्राफ अच्छा नहीं आएगा। सो दैट्स वाई ये सब कलाकारी अपन करते हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, फलक्रम सेंटर जो होता है उसके आजू बाजू में बैलेंस होना चाहिए। नहीं तो एक जगह अगर ज्यादा इंपॉर्टेंस चला गया तो ये वाला खाली दिखेगा, तो फिर उसका कोई लॉजिक नहीं रहेगा। तो दैट्स वाई बैलेंस करने के लिए आपको कुछ चीजों को एंटर करना पड़ेगा। कभी नहीं होता तो हम लोग हिलते उलते हैं और किसी चीज को लाने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी चीज को आने देते हैं, रुकते हैं। उसके बिना वो फोटोग्राफ अच्छी नहीं लगती। हम लोग दिखाएंगे भी, कुछ फोटोग्राफ भी दिखा लेंगे। अभी ये वाला फोटोग्राफ अगर सिर्फ देखो तुम, तो क्या लगता है? ये कभी भी गिर सकती है। लगती है क्या? क्यों लग रहा है ऐसे? वो बिंदास थे, लेकिन तुम्हारे दिमाग को लग रहा है ये कभी भी गिर सकती, क्योंकि क्या है, यहाँ पे एक चक्का, ऐसी जगह पे कौन बैठता है? तुम बैठोगे क्या? नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते? वाई? अरे गिरने का डर है यार, मैं खुद भी नहीं बैठूंगा, मेरे पैर भी अगर वहां पे ये हो रहे हैं। तुम लोग साइड स्टैंड पे बैठते हो क्या कभी? नहीं, मतलब बहुत कम बार बैठते, क्योंकि अपने को फिर भी डर लगा रहता है कि साइड स्टैंड से कभी भी गिर सकते हैं एज कंपेयर टू सेंटर स्टैंड। यहाँ पे क्या है, ये बच्ची को पता है कि यहाँ पे एक चक्का है, लेकिन फोटोग्राफ वाले को तो, मतलब देखने वाले को थोड़ी ना पता है यहाँ पे चक्का है। तो फोटोग्राफ वाले को लगेगा ये अनबैलेंस है, ये कभी भी गिर सकते। तो उसने क्या किया, फोटोग्राफर ने ये चक्के के साथ ये चक्के को डाल दिया। नाउ लुक्स कि ओके, फिर भी सेंटर में रखा क्या लड़की को? कि ये एक लाइन है ना यहाँ पे, वहां पे रखा गया। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? आ गया। ओके, किसी को मैं ये शेयर कर दूंगा पीपीटी, तो कोई किसी को ऐसा कुछ लगे ना का जरूरत नहीं। तो मैंने बताया कि फ्रेम में क्या होता है, प्राइमरी कैरेक्टर, सेकेंडरी कैरेक्टर, टर्शरी, तो उसको डोमिनेंट, सब डोमिनेंट और सबऑर्डिनेट बोलते हैं। अभी सब डोमिनेंट ये एकदम टिपिकल फोटोग्राफी वाली लैंग्वेज है, तो हम लोग को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पता है ना। लीस्ट जिसको ध्यान जाता है वो होता है सबऑर्डिनेट, कोई ध्यान नहीं, मेरा सबऑर्डिनेट है बोलते बोलते ना, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, जिंदगी उसकी झंड है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं रहता। लेकिन डोमिनेंट और सब डोमिनेंट को ध्यान है, जैसे बॉस और वो बॉस जिस टीम लीड को बताया जाता है उसके ऊपर ध्यान, लेकिन वो टीम लीड जो होता है उसके कैरेक्टर्स, उसके जो अंडर में जो लोग रहते हैं उनको कोई ध्यान नहीं था। तो वैसे ही इस यहाँ पे सिखाने के लिए मैं क्या हूँ, डोमिनेंट हूँ, क्योंकि तो मैं बात कर रहा हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो, मुंडी हिला रहे हो, इसका मतलब क्या है? सब डोमिनेंट हो, मतलब तुम्हारा इंपॉर्टेंस है। लेकिन और एक है कैरेक्टर टर्शियरी, जिसमें लाइट है, वो कोई ध्यान नहीं दे रहा है उसकी तरफ, वो वाईफाई है, ये ब्लेजर पड़ा है, ये बैग पड़ी है, यहाँ पे फैन घूम रहा है, इसकी तरफ एक ही बार ध्यान जाएगा, कोई आएगा फैन, हाँ भाई फैन घूम रहा है, ओके। लेकिन उसके बाद में फैन की तरफ ध्यान जाता क्या? नहीं, फैन घूमते रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो जो टर्शरी चीजें होती है, जैसे पहली बार फ्रेम में आए सूरज उगा, एक बार जल जाएगा, फिर उगे उग के वो स्टेबल हो गया, फिर क्या है पेड़ के थोड़े से पत्ते गिरे नीचे, तो पहली बार धन जाएगा। लेकिन फिर अभी क्या है, अभी सीजन ही है ऑटम, तो पेड़ के पत्ते नीचे गिरते रहते, तो कंटिन्यूअस देखते रहेंगे क्या पेड़ के? नहीं, एक ही बार। फिर कैरेक्टर आया जिम मार रहा है या रनिंग कर रहा है, वही के वही रनिंग कर रहा है भाई, बहुत लोग कर रहे हैं, वो भी कर रहा है। वो कुछ अलग जब तक नहीं करता तब तक वो डोमिनेंट नहीं बनता, जब तक वो कुछ अलग नहीं करता तब तक डोमिनेंट नहीं बनता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विजुअल वेट जो होता है कंपोजिशन का, वो डोमिनेंट, सब डोमिनेंट और सबऑर्डिनेट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो किसी भी, वो मुझे डिसाइड करना है एज अ डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी या एज अ सिनेमेटोग्राफर। तुमको क्यों सिखा रहा हूं, तुमको एडिटर करके तुमको भी पता होना चाहिए कि वो फ्रेम में किसके ऊपर ध्यान है। मैंने बताया ना, वो शॉट्स में बिल्डिंग्स ले रहे और वो हिल रहा है कैमरा, तो खटाक से उड़ा दो, वो तुमको डालना ही नहीं। इज इट क्लियर? ठीक है। सो डोमिनेंट, सो इट डिटरमाइंस द विजुअल वेट ऑफ कंपोजिशन, एस्टैब्लिश स्पेस एंड पर्सपेक्टिव, एंड ऑफन रिजॉल्व वेयर द आईज गोज फर्स्ट वेन लुकिंग एट द डिजाइन, कॉम्पोजिशन, फोटो, वॉट एवर, जहां पे सबसे पहले ध्यान जाता है वो होता है ना डोमिनेंट कैरेक्टर। देखो, ऑब्जेक्ट गिवन द मोस्ट विजुअल वेट, सबसे ज्यादा उसको वेट दिया जाता है, एंड एलिमेंट ऑफ प्राइमरी एम्फेसाइज दैट एडवांसेस द फोरग्राउंड ऑफ द कंपोजिशन, जो सबसे आगे होता है कंपोजिशन में, उसको हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं। देन सबऑर्डिनेट, सब डोमिनेंट क्या होता है, इसमें सेकेंडरी एम्फेसाइज होता है ना, सेकेंडरी हमको विजुअल वेट देना होता है। सबऑर्डिनेट में हम लोग बिल्कुल लीस्ट विजुअल वेट देते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये फोटोग्राफ में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा विजुअल वेट किसको दिया है? फिर लिस्ट इसके इस पे बाकी की जगह दिया है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा विजुअल वेट दिया है, तो ये एक्चुअली थोड़ा ऊपर होना चाहिए, बट ठीक है। तो वेन्स इन लीफ कॉन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट मेकिंग इट इज अ डोमिनेंट एलिमेंट इन द इमेज, बराबर है, और बाकी की सब क्या हो रही, सब डोमिनेंट, एंड देन टर्शरी, इससे अंदर भी जो निकल रही है वो टर्शरी, राइट। अभी देखो, ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट्स हमेशा क्या दिखाना है, मूविंग इन टू द फ्रेम, इसके सामने जगह होनी चाहिए। ये क्या हो रहा है, ये आगे क्या हो रहा है पता नहीं, इसको कोई खा डालेगा, ऐसा हो सकता है ये समुंदर में डूब जाएगी, कोई आके इसको उड़ा के लेके जाएगा, डू यू अंडरस्टैंड? हो सकते हैं ऐसी पॉसिबिलिटीज हमारे दिमाग में आती है, जब तक कि क्या नहीं होता, जब तक कि इसके सामने स्पेस नहीं दिखती, इसके सामने स्पेस है तो जगह वही है, तो इसको बराबर रखा है हमने, लेकिन कहाँ होनी चाहिए, यहाँ इन टू द फ्रेम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? तो कब हम लोग ये रूल ब्रेक कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगा। तो भाग ही रहे ना वो भी, पीछे हाँ, पर सिंगल रहे तो भी दिखा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन कब दिखाएंगे वो उसका रूल है, तो दिखाऊंगा बताऊंगा तुमको, ठीक है? ये ओके, तो यहाँ पे इसको रखा, इसके सामने जगह रखी, तो भाई हाँ, इसको दौड़ने के लिए जगह है, जॉगिंग कर रहा है, हमको पता भी चलता है, इधर शैडो भी आ गई, बढ़िया, तो हम लोग ये दिखा सकते हैं, राइट। देन किसी भी हमारे फ्रेम में लाइंस क्या क्रिएट करती है, तो हमारा ध्यान लाइंस क्या करती है, फ्रेम में कंपोजिशन में लेके आती है। तो अगर हमारे आजू बाजू में कैसे ऐसे रेलिंग्स वगैरह मिलती है, तो हम लोग उसका यूज कर सकते हैं फोटोग्राफ्स निकालने के लिए। अगर किसी को मैंने यहाँ पे खड़ा किया, यहाँ पे है वैसे, लेकिन अगर मेरे कैरेक्टर को यहाँ पे भी खड़ा किया मैंने, तो ये लाइंस क्या कर रही है, सिर्फ ये लाइंस नहीं,
नीचे के भी लाइंस, ऐसा जरूरी नहीं कि यही लाइंस यूज कर रही, नहीं ये सभी लाइंस क्या कर रही, ये बता रहे कि भाई इधर देखो, इधर देखो, इधर कोई खड़ा है। तो ये किसने क्रिएट किया है? फोटोग्राफर ने क्रिएट किया है। देखो यहाँ पे ये सब, ये देखो ट्राम, ये है दिख रही क्या ट्राम, ये काइंड ऑफ सेकेंडरी यूज कर रहे, लेकिन ये सब क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये, तो इसकी तरफ देखो करके बोल रहे हैं। पता चलता है उधर, इसको देखने के बाद फिर हमारा ध्यान इधर जाता है, लेकिन पहले इसकी तरफ ही जाता है। ये सब लाइंस बताती है। अभी ऐसे फोटोग्राफ हम लोग भी निकाल सकते हैं, निकालते भी होंगे, लेकिन हम लोग ये चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते। अगर ये ध्यान दे दिया तो तुम्हारी फोटोग्राफ अपने आप अच्छी आ जाएंगे, राइट? कभी कभी यार क्या होता है, हम लोग ऐसी फोटो निकालते हैं, मतलब ये रोड जा रहा है, ये चला गया, इसका मतलब क्या है, मेरा ध्यान इधर से इधर बाहर चला गया, मैंने ब्लॉक नहीं किया इधर इसको। तो ऐसी कुछ चीज लेके आओ जिससे यहाँ पे ये ब्लॉक हो जाए, ताकि मेरा ध्यान फ्रेम के अंदर रहे। अभी फ्रेम के बाहर जा रहा है क्या? अभी तो फ्रेम के अंदर लेके आओ उसको। कैसे आएगा? तो ये दो पेड़ और डाल दिए होंगे पेड़ शायद, तो उसने एंगल चेंज कर दिया, एंगल चेंज कर दिया तो क्या हो रहा है, एंगल चेंज किया तो क्या हो रहा है, अभी इधर ध्यान रखोगे, इधर कैरेक्टर को रखोगे तो तुम्हारा ध्यान अपने आप उधर जाएगा। गाड़ी डालो, वॉट एवर, ये ट्रांसफॉर्मर का रोबोट डाल दो यहाँ पर, अच्छा लगे, ठीक है? तो कि ब्लॉक द एग्जिट्स, उससे क्या होगा, तुम्हारे क्या लोगों के जो रहेंगे उनके ध्यान अपने आप तुम्हारी फ्रेम में आ जाएंगे, है ना? पाथ्स, ये पेंटर लोगों को पता रहता है, अभिषेक को पता रहेगा कि पेंटिंग करते वक्त ऐसे हम लोग पर्सपेक्टिव्स निकालते हैं, इसको वन पॉइंट पर्सपेक्टिव बोलते हैं। कहाँ जा रही है सब, एक ही जगह सब लाइन्स जा रही है, इसको हम लोग वन पॉइंट पर्सपेक्टिव बोलते हैं। जब ऐसे जाता है तो दो टू पॉइंट पर्सपेक्टिव बोलते हैं। थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव कब बोलेंगे, जब लोअर एंगल से कैमरा, अभी तुमको ये सब दूर देखना है तो थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव वगैरह। जब तक ढूंढोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा? देखो थ्री पॉइंट, बिल्डिंग को नीचे से देखा तो इसका पॉइंट ये ऊपर जा रहा है, ये इधर भी जा रहा है और ये इधर भी जा रहा है, थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव। टू पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, ये दिख रहा है, ये पॉइंट इधर मिल रहा है और ये पॉइंट इधर मिल रहा है, टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, सब एक जगह मिक्स हो रहे हैं। अरे हमारे देखने का नजरिया ही है ना ये, नहीं मेरे को टू दिख रहा है, मैं उसको वन बना सकता हूं क्या? हाँ मैं ऐसे घूम जाऊंगा, ये टू क्यों दिख रहा है, ये बिल्डिंग को मैं ऐसे कॉर्नर से देख रहा हूं तो ये बिल्डिंग के कॉर्नर एक इधर जा रहे हैं, मैंने पर्सपेक्टिव चेंज करके इधर देखा तो क्या हुआ, वन हो गया। मैं थोड़ा नीचे बैठ गया, नीचे बैठ के ऐसे देख रहा हूं तो यहां से ये दो जा रहे हैं और ये ऊपर जाते हुए दिख रहा है तो क्या हो गया, थ्री पॉइंट हो गया। ये तो अपने ड्राइंग में जल्दी पता चल जाता है, हम लोगों को रियल लाइफ में देखने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये देखो बच्चे ऐसे ज्यादा फोटो निकालते क्या, ऐसे स्केचेस वगैरह ज्यादा निकालते, ये क्यों निकालते, क्योंकि उनको वन पॉइंट ज्यादा समझ में आता है, टू पॉइंट नहीं समझ में आता, सिखाना पड़ता है, नहीं सिखाना पड़ता क्या? टू वन पॉइंट हमेशा निकालते, उनको पता होता है कि ये ऐसे ही जाता है सब, तो वो निकालते भी वैसे ड्राइंग्स, देखना। अभी ये तुमको मैं सिखा रहा हूं, मुझे ड्राइंग आती क्या? नहीं आती, मैं तो क्लियर कट बता चुका हूं मेरे को नहीं आती, और मेरे को इसके प्रिंसिपल्स पता है, सो दैट्स व्हाई अपने को ड्राइंग में कोई हरा नहीं सकता, बता सकते ना, उससे ज्यादा पता रहता है इवन दो, है ना? सभी अभी मेरे पास, अभी नहीं क्या, अभी हो गया अप्रैल में एग्जाम्स खत्म हो जाती बच्चों की, सब आते कि कोई 1 महीने का 2 महीने का कोर्स है क्या बच्चों को सिखाने के लिए। मेरे बच्चे को बहुत आता है कंप्यूटर वम्प्यूटर पे, वो बहुत काम करता है, मैं उनको बोलता हूँ कि घर में उसको ड्राइंग सिखाओ, उसको किसी टीचर के पास ड्राइंग लगाओ। क्यों बोलता हूँ,
क्योंकि ड्राइंग कहाँ से होता है? दिमाग से नहीं होता ना। कहाँ से ड्राइंग करते? हाथ से निकालते ना। हम लोग कैसे काम करते रहे? तो हमारा क्या हिलता है? ड्राइंग कहाँ से होता है? एल्बो से होता है, ईजल पे निकालते हैं। मालूम है ना, ऐसा स्टैंड होता है उसके ऊपर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ड्राइंग वाले? कभी देखना, वो ऐसे नहीं निकालते कभी। तो अपने को पता ही है सब, तो अपन बोलते हैं उसको वो सिखाओ, ये बाकी सॉफ्टवेयर कभी भी सीख लेंगे, ये सिखाओ फिर बाद में लेके आओ मेरे पास। सोचो अपना नुकसान करता हूँ मैं हमेशा। मैं तो उसको फोटोशॉप के लिए बुला के अपन करवा सकते ना। तो पोजिशनिंग अरेंजमेंट, अपने यहाँ पे सब अरेंजमेंट हमेशा ऐसा वैसा रहता है। पढ़ाई अरेंजमेंट रहता क्या है ना, कोई चेयर इधर चली जाती, कोई चेयर उधर चली जाती, लैपटॉप इधर रहता है, इधर कभी कुछ खाने का टिफिन रहता है, ब्लेजर पड़ा, सब कुछ है। तो इससे पोजिशनिंग नहीं जमता, इससे क्या होता है, रैंडमाइजेशन क्रिएट होता है। इससे क्या होता है, एक चीज की तरफ ध्यान नहीं जाता है। अभी पढ़ता है क्योंकि हम लोग बैठे हैं, लेकिन एक चीज की तरफ आने के बाद किसी का एक चीज की तरफ ध्यान नहीं रहता है। तो एक चीज की तरफ ध्यान में लेके आने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, क्लब करना पड़ता है। तो क्लब करने के लिए पहले क्या था, क्यों नहीं हो रहा? अरे यार आगे आगे ही जा रहे हैं, इधर रहता नहीं यार। अरे अरे तो बहुत ही गलत हो गया मेरे साथ। ठीक है, गलत हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी पता ही नहीं चल रहा किसकी तरफ ध्यान दूँ, और वही अभी क्लब्ड हो गया। बढ़िया, एक जगह पे रह गए तो अपने को पता है कि भाई ये सबसे डोमिनेंट दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है। वी कैन, है ना, अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग लोगों को फोटो में लाने के लिए क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते ना, अरे भाई तू इधर आ जा, अरे वो तू बहुत छोटा वाला उधर चला गया, तू इधर आ जा, अरे तू भाई बहुत बड़ा हो गया, तू उसके पीछे चला जा। अरेंजमेंट ही कर रहे हैं हम लोग। फिर एक जगह एक कलर वाले बहुत होंगे, भाई एक कलर वाले बहुत हो गए, तुम करते कि नहीं पता नहीं, मैं कर लेता हूँ, तू उधर चला जा, वहां पे कुछ कलर वाले इधर होने चाहिए, कुछ कलर वाले इधर होने चाहिए, तो मिक्स मैच तुम्हारा फोटोग्राफ अच्छे आते हैं। तो ये सब क्या करना पड़ता है तुमको भी, नहीं करना पड़ता, जान दो फिर। अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है ना, बोरिंग कुछ शेप्स होते हैं। कौन से बोरिंग शेप होते हैं? ट्रायंगल, स्क्वायर, स्पीयर, रेक्टेंगल, ये क्या है, सबसे बोरिंग शेप है। ये शेप्स हमारे फोटो में नहीं आने चाहिए। अभी कितना भयानक चीज है। तो तुम अगर ऐसे कर रहे हो, जो तुम लोग जनरली फोटो निकालते हो ऐसे, स्क्वायर बनते हैं उसमें, क्योंकि वो सामने अगर कोई घर भी होगा, वो घर क्या दिखता है, तो वो शेप्स नहीं होने चाहिए। तो फिर क्या करो, थोड़ा नीचे बैठ जाओ, थोड़ा टिल्ट कर लो कैमरे को, तो अपने आप क्या होता है, वो शेप चेंज हो जाता है। तो देखो आ गए, हम लोग ऐसे फोटो निकालते, फिर अपन बोलते कि मज़ा नहीं आ रहा फोटो में, फिर हम लोगों को नहीं यार इसको सेल्फी नहीं डाल सकते। सो नाउ हो गया बोरिंग, ये हो गया बोरिंग। तो ये बोरिंग शेप्स को तोड़ना है। इवन दो दिस, ये भी बोरिंग शेप, तुमको शेप्स को क्या करना पड़ेगा, तो ग्रुप हो या ब्लॉक्स हो, ऑब्जेक्ट्स हो, ये सेम शेप के नहीं होने चाहिए। शेप्स शुड बी थोड़े से क्या, अभी देखो ये नीचे से फोटोग्राफ निकाली, ये यहां से फोटोग्राफ निकाली, हो गया चेंज। ऑब्लिक एंगल्स क्रिएट इंटरेस्टिंग शेप, आ गया क्या शेप इंटरेस्टिंग? तो इंटरेस्टिंग शेप इसकी वजह से लगते हैं, इंटरेस्टिंग शेप इसकी वजह से। अब ये स्क्वायर हो रहा है क्या किसी भी एंगल से? नहीं ना, ये कुछ अलग शेप हो रहा है। तो दोनों अगर साथ में खड़े रहेंगे तो उतना खास नहीं लगेगा। सेम यहां पे देखो, ये पास में है, ये थोड़ी दूर है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोरिंग हो जाएगा, है ना। तो ऐसा हम लोग कर सकते, इनका रिफ्लेक्शन भी क्रिएट हो रहा है देखो।
सो ऑब्लिक एंगल क्रिएट ड्रामा। अब कौन सी मूवी में ड्रामा का जरूरत पड़ता है? सस्पेंस, थ्रिलर, उसमें देखो आप हमेशा क्या होता है, जान दो अभी तुमको बताने का जरूरत नहीं। कलर मैंने बताया था कि जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे हम लोग कैमरे से दूर जाते हैं या मेरे से जैसे ऑब्जेक्ट या लैंडस्केप दूर जाता है, वैसे वैसे उसका सैचुरेशन ऑफ कलर्स मतलब कलर का इंटेंसिटी कम होता है क्या? नहीं होता, होता क्या रे? नहीं होता। कैसे पता चलता तुमको? यहाँ पे कलर का सैचुरेशन ज्यादा है, यहाँ पे कम है क्या? ये कितना दूर होगा? कैसे पता चला? ऐसे कैसे अनुभव से पता चला? तुम क्या जाते हो क्या रोज ऐसे घूमने? सैचुरेशन से कैसे? जैसे ये कितना किलोमीटर होगा और ये कितना किलोमीटर होगा? तुम्हारा दिमाग अंदाज लगाना चालू किया ना, यहाँ पे देखते हैं। ये प्रिंट ये है, पेंट किया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं। ये कितना दूर होगा? कैसे 10 किलोमीटर होगा? अरे ये पेड़ कितना बड़ा होता है? तो ये पेड़ अगर यहाँ पे इतना दिख रहा है, इसका मतलब कितना दूर होगा वो? हम लोग ऐसे लगाते हैं ना अंदाज। अरे तुमको मैंने बोला करके अभी तुम बता रहे हो, लेकिन तुम्हारा ब्रेन तो ऐसे कैलकुलेट कर रहा है ना, नहीं समझे? ऑब्जेक्ट छोटा होते जाता है, धुंधला होते जाता है, उसके सामने फॉग आता है, फॉग आता करके उसका सैचुरेशन कम होता है। आता क्या वाइट वाइट? ये तो अभी बहुत ज़्यादा क्लीन है, आता क्या? आया ना, ये ज़्यादा हम लोग को पता है ना, अभी ये बहुत ज़्यादा करीब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैचुरेशन ज़्यादा है, फॉग कम है। जैसे जैसे फॉग बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, अभी पता चलता ना अपने को, ये इसके ये आगे है, ये इसके आगे है, ये इसके आगे है, ये इसके आगे हैं। कैसे पता चलता है? बिकॉज ऑफ दैट फॉग। तो क्या होता है? तो सैचुरेशन वो ज्यादा होना चाहिए जहां पे भी हमारे वो पॉइंट्स है। देखो उसमें क्या बोला है, कलर्स आर कॉल्ड वार्म और कूल। वार्म मतलब जो आग के साथ आजू बाजू में होते हैं, वो कलर्स क्या होते हैं? आग, सन, उनको वार्म कलर। जो पानी, बर्फ उसके साथ होते हैं, उसको कूल कलर्स बोलते हैं। तो जनरली जो हमारा आरजीबी कलर व्हील होता है, उसके राइट हैंड साइड के कलर्स क्या होते हैं? दैट आर कॉल्ड वारम कलर। क्या बोलते हैं? वारम कलर। और ये क्या है उसके ठीक अपोजिट? आइस के कलर ऐसे रहेंगे, साइनिश कलर होते हैं। I don't know, तुमको पता है कि नहीं? अरे मैं जो ऐसे नहीं बताता, पूरा रिसर्च होता है। मैं जब तुमको सिखाता हूं तो उसके पीछे का रिसर्च होता है। देखो वार्म है क्या, और ये पूरे कूल कलर है, यहां से वार्म कूल। तो राइट हैंड साइड के कलर वार्म, लेफ्ट हैंड साइड के कूल। समझ में आया? तो तुमको अगर शाहरुख खान बोल रहा है कि आई एम कूल, तो उसके टी शर्ट के कलर देखना, कौन से होते हैं? ब्लू, ग्रीन, स्लाइटली ग्रीनिश, ये जो कलर होते हैं ना, तो है ना। हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि ब्लू कलर, हाँ हाँ वो दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स है ना, हाँ तो दो, तभी तो वो बैलेंस बनता है, बैलेंस तभी बनेगा। तो अगर मैंने ब्लू कलर का शर्ट पहन के बाहर जाके बोल नहीं सकता मैं कि आई एम हॉट, लोग अपने को बेवकूफ, क्या आप कुछ भी बोलता क्या?
कैसे कुछ भी बोलता है, तो कुछ भी ऐसे बोलता है बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, समझ लेने का। मैंने तुमको बता दिया, आरजीबी कलर व्हील सर्च मार लो तो तुमको आइडिया आ जाएगी, बाकी कुछ बोलने का जरूरत। देखो पढ़ने के लिए बहुत होता है, तुम लोग पढ़ते कि नहीं पढ़ते ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसके साथ बहुत कुछ है ना पढ़ने लायक, है क्या? मैंने तुमको विजुअली बता दिया, बाकी का भी बता दिया था फोटोशॉप में वगैरह, बट ये बाकी का तुमको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो लैंड्स गेट कूलर एज इट गेट्स टू नियर टू होराइजन, लैंड्स गेट एंड स्काई गेट्स वार्मर एज इट गेट्स नियर टू होराइजन। होराइजन क्या है? ऊपर से ब्लू। होराइजन के पास क्या होता है? सन होता है ना, सो दैट्स व्हाई वार्मर होता है, और यहाँ पे ज्यादा उजाला होता है, जैसे इधर इधर जाता है वैसे कूलर होता है। तो ये दो प्रिंसिपल्स है बोलते हैं लोग, अपन देख के रहने का, देखे बिना कुछ काम होता नहीं, तो देखने का सामने जो दिख रहा है वही उसी को मानने का। सो कलर पर्सपेक्टिव गिव पिक्चर डेप्थ, वो हमने देखा था, कलर पर्सपेक्टिव डेप्थ दे रहा है क्या अच्छे से? अरे डेप्थ दे रहा है ना इसको, तो वो प्रिंसिपल्स हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सभी प्रिंसिपल एक ही इसमें यूज करने ना, सभी प्रिंसिपल्स को एक जगह कैसे यूज कर सकते हो? नहीं, पर वो देखने का कि अरे हाँ यहाँ पे ये यूज हो सकता है, लेट्स सी। पर पता तो होने चाहिए वो प्रिंसिपल, पर रूल ऑफ थर्ड सभी जगह यूज होते हैं। पर बाकी कलर पर्सपेक्टिव हो गया, बैलेंसिंग हो गया, ट्रैवलिंग इन टू द सीन हो गया, ये सब क्या हो सकते कि वो उस टाइम पर यूज कर सकते। जैसे किसी बंदे को हुसैन बोल्ट को दिखाना है, कैसे दिखाओगे? हुसैन बोल्ट के आगे नहीं दिखाते, हुसैन बोल्ट के पीछे दिखाते, क्योंकि हुसैन बोल्ट सबसे फास्टेस्ट है अर्थ पे, मानते हो कि नहीं? तो उसके पीछे दिखाना पड़ेगा ना, नहीं क्योंकि वो सबसे आगे रहेगा, उसके पीछे बाकी। देखो ना, तुमने फोटोग्राफ देखी कि नहीं? आई डोंट नो, वो मालूम है ना कितने मिनट दौड़ा है अभी तक पूरा अपनी जिंदगी में? नहीं नहीं अपने जिंदगी में कितना दौड़ा है, मतलब ऐसे प्रैक्टिस के हिसाब से नहीं बोलने का, टोटल जितना उसने जीते है, मतलब कंप्लीट ये जीते है, तो मेरे ख्याल से 8-1 मिनट दौड़ा होगा टोटल, उसमें उसने इतना शौहरत पा लिया, पर उसके लिए कितना प्रैक्टिस किया होगा? हाँ अभी तो उसने हाँ ये ले लिया, तो यूसेन बोल्ट के पिक्चर देखो तुम, तुमको आइडिया आएगी। कितने किलोमीटर? नहीं है उतना ही दौड़ा वो, क्या 400 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, वही जीता वही से जाना, तो उसमें कितना दौड़ा वो? तो जैसे 8 मिनट कुछ का रिकॉर्ड है उसका, देखा नहीं वो? अरे वो इतने मार्जिन से जीता है लोगों के साथ, मतलब ऐसे आराम से जीता है, तुमने देखा क्या उसके दौड़ते हुए? ये देखो हाँ ये उसका स्टाइल है, ये देखो। तो ऐसे इसमें इसके पीछे दिखाना होता है क्योंकि बहुत स्पीड से दौड़ रहा है, राइट? ये देखो इन टू द फ्रेम दिख रहा है, तो ये दिखा है लिखा है, पोस्टर बनाने के काम में ला सकते क्या? इन टू द फ्रेम, ये देखो लाइन्स, हाँ ये भी देखो। तो तुम कितने कितनी जगह पे इसको यूज कर सकते हो? फोटोग्राफ्स देखो अच्छे क्यों लग रहे हैं? अच्छे इसलिए लगते क्योंकि ये इस तरीके से बनाए जाते हैं, फोटोग्राफ के पीछे ये रीजन होता है। ये दिख रहा है पिक्चर पोज देखो, है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलके बराबर उसने वो फ्रेम खींची। सो यू कैन गो थ्रू इट, मतलब ये तो मैंने तुमको एक एग्जांपल बताया, ये तुम इस ऐसे ढेरों एग्जांपल निकाल सकते हो। इवन दो विराट कोहली को देखो, और विराट कोहली का शॉट्स देखो तो अच्छे, उसके पिक्चर्स बहुत फेमस कैसे हुए, जो सबसे फेमस उसके पिक्चर पोज होंगे वो देखने का।
उसमें देखने का कि वो कहाँ पे होते हैं जब वो, और कभी कभार ये लोग 200 100 बना लेते ना, तो वो उस फ्रेम के क्या हो जाते हैं, और कौन बनाएगा 200 200 बनाने के लिए भी तो ताकत लगती ना, तो कौन बनाते, तो भाई ये लोग बनाते हैं। उनका ये वाला शॉट देखो, ये देखो, ये देखो, अभी ये फ्लिक कर रहा है। सो फ्लिक मतलब पीछे मार रहा है, पीछे मार रहा है, देखो ये जगह बनाई उसके लिए। सो आई मतलब मैं ऐसे सोचता हूँ हमेशा, ढूंढता हूँ क्यों अच्छे लग रहे हैं फोटोग्राफ्स, क्यों अच्छे लग रहे हैं, तो अपने को भी ऐसा ढूंढना पड़ेगा। पढ़ते क्या, पढ़ो, ढूंढना पड़ेगा तो करो। वार्म कलर्स कूल कलर्स बताए अभी तुमको, कौन सी फिल्म देखी वो, कौन सी है रे वो लड़की वाली, फ्रोजन। प्रियंका चोपड़ा ने आवाज दी ना उसकी, दिख रहे क्या कलर्स, कौन से कलर्स है, वही है क्या नीचे वाले। अरे बहुत है उसमें, वो RRR के पीछे नहीं लगने का। वो देखो अभी कौन सी KGF आई थी, सालसा, क्या सालार, सब वार्म कलर में भाई, वो जिस जगह पे है ना वहां पे सब वार्म है, तो उन्होंने वो टिंटी वैसा दे दिया। वो KGF कहाँ है, KGF क्या है, खदान है, माइन है, अंदर क्या रहता है, गर्मी, तो कौन सा कलर टिंटी है। तो ऐसे फिर एक फिल्म है ना, इनके अंदर भी फिल्म है। अभी हमने फिर कौन सी फिल्म देखी, इसको फटाफट खत्म निपटा देते। तो देखो जब भी फोटोग्राफ निकालने हो तो ये चीजों को ध्यान रखना, कौन सी डोमिनेंट ऑब्जेक्ट है, क्या आई लीड इन टू पिक्चर है, क्या सेंटर ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जा रहा है, क्या आई केप्ट इन द पिक्चर है, क्या बाहर तो नहीं निकल रही है, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट गुड पोजिशन पे है क्या जिसकी तरफ ध्यान देना है, टोनल रेंज देखो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट की तरफ है क्या, ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट इन टू द है क्या, बैलेंस है क्या नहीं, ये सब ध्यान रखना है। और अभी हम लोग देखते हैं उस मूवी को, कौन सी मूवी, ये वाली को अभी फ्रेम लगा के देखेंगे। पहले क्या देखा था, बिना फ्रेम के देखा था, तो अच्छी लगी थी पहली बार फ्रेम हम लोग देखे। अभी देखो सब तुमको ध्यान में आएगा, कहाँ है वो सब कुछ, वहां पे एनिमेशन भी वैसे ही आता है यहां से वहां तक, ये देखो कहां पे रखा है कैरेक्टर, वो एनिमेशन भी तुमने देखो कहां पे देख रहा है, एनिमेशन भी उधर ही होता है, हम लोग एनिमेशन में भी इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। वो देखो कैरेक्टर कहां से कहां उड़ रहे हैं, फ्रेम्स देखो, सी ये बंदा देखो कहाँ है, उसकी आंखें, आंखें हमेशा ऊपर वाले फ्रेम में होती है, ये वाली लाइन आंखों के लिए होती है। ये कैरेक्टर देखो यहां पे है, उनको सेंटर में लाने के लिए बराबर वो कैमरे हिलते हैं। आ गया सेंटर में, मतलब यहां पे आया, देखो उसकी चोच कहाँ है, फिर इसको ये क्या कर रहा है देखने के लिए, क्या हुआ है, पैन हुआ है, क्या हुआ है, ये आ गया बराबर, सी इसकी आंखें कहाँ है, ये क्या कर रहा है, इसको फ्रेमिंग में लेके आए, जूम आउट किए, क्यों, इसकी चोंच देखो कहाँ है, देखो उसकी बोन कहाँ पे है, कहाँ है ये, इतना डिटेलिंग कर दे, देखो जूम किया, जूम करने के बाद तो उसको कहां पे रखा, कहां पे दिया, देखो उसको देने के बाद जूम आउट किया, लेकिन वो फ्रेम चेंज किया गया। इवन तो तुम इसको भी डिवाइड करोगे ना, तो भी वो रूल ऑफ थर्ड फॉलो करते, इतना खतरनाक है। ये देखो यहां पे फिर वो, ये यहां पे करो, अरे बहुत ही खतरनाक है ये लोग, इससे ज्यादा कोई हो नहीं सकता। अभी देखो ये नीचे आया, नाउ देन कहां है,
प्राइमरी, डोमिनेंट, आंखें देखो, कहाँ पे बना रहा है वो? इस पॉइंट के पास बना रहा है, बनाया उसको देखने के लिए कि उसमें क्या है। इवन तो उसकी उंगली कहाँ खाता है देखो, और वो कहाँ लेके गया देखो उंगली, और वहां पे क्रिएट हुई दूसरी उसकी उंगली वापस। ऐसा नहीं करना बिठाया, वो किसी की राह देख रहा है देखो, फ्रेम में कैसे आ रहा है वो, कहाँ पे रुका कैमरा, ऐसे ही नहीं गया वो, जहां पे रुका बराबर कैमरा उसके हिसाब से रुका। नहीं देखा, देखो हल्का सा स्मूथ आता रहता है, आया फास्ट कैमरा एंड देन सडनली स्लो हो गया, थक गया, कहाँ सैल्यूट मार रहा है ये, इसको पास में किया, इसको हाथ कहाँ लग रहा है, दिस इज ऑल डिटेलिंग। देखो कहाँ मांग रहा है ये बोल रहा है, देख रहा है कहाँ दिया उसने, उसकी आंखें देखो, उसने कहाँ पे इसको पकड़ा, इसके हाथ उसको कहाँ से पकड़ रहा है, कैसे लेके जा रहा है, हल्का जूम आउट, देखो वार्म से कूल हो गया क्या, सुबह थी दोपहर हो गई, पहले सुबह थी तो थोड़ा येलोइश होता है ना, फ्रेमिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये देखो ये कैरेक्टर यहाँ पे है, वो मारना चालू करेगा देखो अभी, देखो उसको फ्रेम में लाने के लिए कैमरा हल्का सा टिल्ट हुआ है ना, तुम मतलब तुम उसको देखते हो, तुम उसको महसूस करते हो कि नहीं? उनका देखो वो कहाँ हिलते हैं, उसको कहाँ पे उसने पकड़ा, जूम आउट हो रहा है, अनइजीनेस है क्या उनके चेहरे पे, है क्या इसके चेहरे पे अनइजीनेस? अरे है ना, दिख रहा है ना, जो मार रहा है। ये तो ठीक लग रहा है, और उसका एनिमेशन देखो कैरेक्टर का आ गया, क्या हो रहा है नहीं, देखो अपना काम कितनी ईमानदारी से कर रहा है। तो शाम हो गई, देखो भाग रहा है उधर भी, उसकी तरफ जाएगा क्लाउड, उनको बैलेंस जो बताया ना ब्लॉक करना वगैरह, दिखाता हूँ ब्लॉक। ये ना कैरेक्टर यहाँ पे, ये देखो यहाँ से ब्लॉक किया ताकि तुम्हारा ध्यान इधर ना जाए, देखो इसका इनटू है सामने जगह, पॉजिटिव स्पेस बोलते इसको, गुस्सा आया ये फ्रेम से यहाँ पे जा रहा है, आंखें देखो, उसने वहां से कुछ लिया, उसको पता चला लाइटिंग कितना ब्यूटीफुल होता है, तुम्हारा ध्यान बराबर कैरेक्टर की तरफ है, वाई इधर डार्क है इधर लाइट है, ये देखो ये कैरेक्टर है, यहाँ पे इसको ब्लॉक किया है, दिख रहा है, ताकि इसकी तरफ भी ध्यान रहे हमारा, ये ब्लॉकिंग किया है क्लाउड्स डालते बाद में, ऐसे ही नहीं रखते रहे कुछ भी। जब हम लोग ऐसी फिल्में देखते जो लैंडमार्क फिल्म होती है वो हमेशा उसमें कुछ डालते हैं, तो उसका अभी कोई भी फिल्म उठा के देख लो, पिक्सार की एनी, टॉय स्टोरी देख लो, वो वॉली देख लो, ऐसी शॉर्ट फिल्म में भी बहुत सारी फिल्में उनकी, तो 20-20 सेकंड फिल्म होंगी, एक नहीं क्या इनकी इंडियन गॉड्स के ऊपर एक फिल्म है दुर्गा उर्गा, ये पिक्सार की है, तो नाम नहीं याद रहा शॉर्ट फिल्म, एक मिनट ढूंढते हैं हम लोग।
एक कैरेक्टर है, हाँ ये वाला, क्या नाम है इसका, संजय सुपर सिंह। ये बहुत ही जबरदस्त पिक्चर है, देखिए देख लेना, बहुत ही कमाल की एनिमेशन वगैरह, बहुत ही कमाल का है। आंखें देखना, और तो हमेशा मुझे कहाँ पे आंखें रखनी है, जब भी मैं भी तो मैं ये अपने बंदों को बताता हूँ कि ऐसा आना चाहिए, इंटरव्यू ले रहे तो ऐसा इंटरव्यू दिखना चाहिए, तभी वो इंटरव्यू आउटस्टैंडिंग लगेगा। सेंटर में इंटरव्यू नहीं रखने का, उसको सेंटर में रख के इंटरव्यू नहीं लेने का, उसको कॉर्नर में रखने का, साइड में कुछ उसको बिठाने का, कहीं साइड में कुछ रखो या उसको बिठा के ऐसे ऐसे करने के लिए बोलो, तो वो इंटरव्यूज अच्छे आएंगे, है ना। अपन अपने बंदों को सब बताते हैं, इवन दो ये जो है ना, ये फेदर कैसे जाता है देखो एनिमेट होते हुए, आया चमकता भी है वहां पे, आ गया। वो कहाँ रखता है, उसका एनिमेशन देखो, पहना यहां से यहां पे गए, थोड़ा देखेगा ऑब्लिक एंगल क्यों क्रिएट करते, सी तो ऐसे हाथ भी दिखा सकता था, एंगल देखो कैमरा एंगल, और उसका एनिमेशन भी देखो, देखो है थोड़ा टेढ़ा, अपन ऐसा कभी नहीं करते, थोड़ा ऐसा होता है, तो उन्होंने देखो थोड़ा सा टेढ़ा दिखाया, क्योंकि क्या हुआ उसके सर पे आ गया, ये बैलेंस कर रहा है, दिया यहां से उसके हाथ में आ गया, तो इतना दिमाग लगाना पड़ता है। मैंने तुमको बताया कंपोजिशन का एक प्रिंसिपल, लेकिन उसके ऊपर इतना दिमाग लगाने का काम करता है कौन, हाँ नहीं स्पेशली पिक्सार, किसकी किसका प्रोडक्शन है पिक्सार, डिज्नी ने तो बाद में टेक ओवर किया, जब स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया था ना, तब उसने दो कंपनी बनाई, एक थी पिक्सार जो उसका ड्रीम था कि 3D वाली पहली फिल्म बनाए, और दूसरा था नेक्स्ट नाम की एक इलेक्ट्रॉनिक्स चेन चालू की थी, फिर बाद में बुलाया उनको, फ्लॉप हो गया था ना एप्पल, फिर बाद में तो बुलाया। सोचो आदमी सिर्फ एक ही जगह पे हिट नहीं रहता है, अगर उसका दिमाग अच्छा हो तो वो किसी भी फील्ड में जाके अच्छा बन सकता है, तो तुमको अच्छा बनने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो तुमने जो प्रीमियर वीमियर इंस्टॉल नहीं किया होगा, तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, अगर किसी को ऐसे लगता है कि उसका कंप्यूटर कैपेबल नहीं है, पॉसिबल है, तो लोअर वर्जन यूज करना, CS6 भी यूज कर सकते, अच्छा चला सकते, पर एटलीस्ट CC यूज करो, हाँ प्रीमियर एडोब कर लो, CC 2018 वगैरह होगा, यूज करो ये। कुछ ऑप्शंस कभी कभी कम रहेंगे, पता नहीं कितने रहेंगे, मेरे को याद भी नहीं, थोड़ा कैसा होता है कि हर साल नया निकलना इनको जरूरी है, नहीं तो लेगा कौन, नहीं ज़्यादा डिफरेंस आफ्टर इफेक्ट्स में है, प्रीमियर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, तो यू कैन यूज़ दैट, प्रीमियर में यूज कर सकते हो, वैसे भी तुम बहुत ऑप्शन एडिशनल वाले यूज नहीं करते, करते हो क्या, मेरे को तो याद नहीं, मैं खुद ही नहीं, मेरे को अभी भी 2018 दे दिया तो भी मैं काम कर लूँगा, ठीक है, क्लियर है। जिसके यहाँ अगर नहीं है सॉफ्टवेयर वगैरह तकलीफ हो रही, तो लोअर वर्जन यूज़ करो। देखो हमको स्किल सीखने से, अभी मैंने तुमको थोड़ी ना कुछ टेक्निकल चीज़ें सिखाई, क्या स्किल ही सिखाया, तो ये अगर तुमको आता है तो तुम वैसे भी किसी को अभी होशियारी सिखा सकते हो, अभी अगर जाके बताओ किसी को ये रूल ऑफ थर्ड पता है क्या, तो बोलेगा हाँ, तो तेरे को ये पता है क्या पॉजिटिव स्पेस क्या होती है, अभी क्या है ना किसी रॉकेट को दिखाना है, क्या दिखाना है,
ये देखना अभी, ये पिक्चर कितनी, ये मतलब कितना घटिया सॉन्ग बनाया है, इसमें क्या सिनेमेटोग्राफी इतनी घटिया है, ये तुमको आइडिया आ जाएगी, ये जो मैंने तुमको दिखाई। ये देखो कितना घटिया, ये देखो इसको काट दिया, दिख रहा है तो पुरानी मूवी में दिखा सकता तेरे को। देखो कहाँ से किसको वो सामने वाले कैरेक्टर को लेके आए। सावरिया रे ओ सावरिया लेके दिल तू ओ सावरिया, क्या किसको दिखा रहे, क्या कर रहे, कुछ नहीं। देखो इसको काट दिया इधर। तो उसका तो रोल ही नहीं। ये देखो कहाँ से, ये देखो काट दिया उसको। तेरा चेहरा कमाल है जवानी, तो ये मेरे को ध्यान में रह गया इतने साल से, क्योंकि मतलब ये घटिया इतना गाना, मतलब ठीक है गाना तो ठीक ठाक है, पर ये गाना इतना घटिया क्यों दिख रहा है। तो मैंने अपना अभी इसमें एक और है, तुमको शायद कभी पता होगा, नहीं पता, आई डोंट नो, रानी मुखर्जी की एक स्टाइल है ना, रानी मुखर्जी पूरे गाने में मतलब गिना हमने कभी तो 40 एक बार हाथ ऊपर करती है, कितने बार? तुम बोलोगे सर आप इतने कैसे रिकॉर्ड जोड़ रह सकते कि ये गिनते हो। ये नहीं, और एक गाना है इसका, सलमान खान के साथ एक और मूवी है हेलो ब्रदर वाला, उसमें भी है। फिर हमको ध्यान में आया कि वो तो कुछ कुछ होता है में भी ऐसे करती है। हाथ देखो ऊपर, हाँ है ना। अरे ऑब्जर्व होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि अपन सब कुछ बुक से उठाते हैं, हम देखते ऑब्जर्वेशन करते कि क्या फ्लॉज है किसी में। हाँ अरे अपना, मैं फिल्म ऐसे ही नहीं देखता, फिल्म देखने के बाद वो देखता हूँ कि उसमें क्या प्लस माइनस है, क्या हो सकता है। मतलब फिल्म तो ये फ्लॉप हुई थी, पिक्चर के एक दो गाने अच्छे थे, वो प्रिया प्रिया नाम का एक गाना है, तो कुछ कुछ गाने अच्छे कुछ नहीं। हम लोग कॉलेज में थे तब ये पिक्चर आई थी, तो कैसा होता है कुछ गाने बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ गाने बहुत, जैसे एक वो गाना आया था तन्हाई नाम का, दिल चाहता है का गाना है ना। तो ये गाने का, इस गाने में टाइम लैप्स दिखा है, वो पहली बार हमने टाइम लैप्स देखा गाने में, पहली बार गाने में। हाँ हमने देखा यार, हो गया होगा पहले भी, आई डोंट नो। तो ये गाना क्यों अच्छा लगता है, अभी बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता होगा पर क्यों अच्छा लगता है नहीं पता लगता लोगों को। तो ये गाने का खासियत क्या होता है, देखो अभी इसकी पिक्चराइजेशन बहुत ही जबरदस्त है, फरहान अख्तर अच्छा डायरेक्टर है ना। क्यों अच्छा लगता है, तो ये गाने में ये रोता नहीं है, तुमने इसको रोते, मतलब ये गाने में ये रोता नहीं है ना, ये गाने में इसको दुख होता है पर रोता नहीं है, ये बहुत बहुत गुस्से में होता है। क्या होता है, हाँ तो ये पहला ऐसा गाना था कि जिसमें एक्टर को दुख हुआ है और वो गुस्से में, नहीं डिप्रेस, देखना तू गाने में देखना, एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। होता ये देख, कई डिप्रेशन में पता ही चल जाता आदमी कैसा है, गुस्से में। पिक्चर ही वैसा बनाया है उसका, दिखाया वैसे। तो ये पहली बार इसमें टाइम लैप्स दिखाया है, देखो ध्यान में रह गया। ऐसा ही इस मूवी का एक और गाना है, कैसी है ये रुत, तो गाने में क्या दिखाया है, हिंदी पिक्चर भी देखते ना अपन, ऐसा नहीं है कि ऐसे। ठीक है ये वाला गाना है, ये गाना है, तो गाना चल रहा है भाई अच्छा। ठीक है
मैं तुमको हमेशा बोलता हूँ फ्रेमिंग कितना इम्पोर्टेंट है। चेंज हो गया थोड़ा लाइटिंग, आई डोंट नो तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं। लाइटिंग चेंज हो, अभी देख लो ये ऐसा क्यों दिखा है। सपने में है, अच्छे सपने में, प्यार में है, तो सब कुछ फैंटेसी लगता है, तो इसलिए ऐसा दिखा है। मैं बताया ना कि किसी की पहली फिल्म बहुत बढ़िया भी होती है, किसी की पहली फिल्म इसलिए बढ़िया होती है। दिख रही है? बढ़िया इसके बाद में बड़े लोग पेंटर वेंटर बन गए, मैं नहीं बना। लेकिन देख ये दिख रहा है, होप्स के लिए हम लोग लाइटिंग दिखाते जनरली, दिख रहा है वो लाइट, ये जो लाइट आ रहा है ना बीम ऑफ लाइट, हाँ वो होप्स दिखाने के लिए यूज करते इसको। इस फिल्म में अगर दिखाना है कि कुछ अच्छा हो रहा है, होप हो रहा है, होपफुल हो रहा है, तो वो ये बबल्स एनिमेटेड है, साइन में दिखा है। तुमको बताया था ना बैलेंस, सी बैलेंस। देखो अभी ये काय के लिए डाला होगा पेड़, ये ब्लॉक होना चाहिए हमारा व्यू, इसी की तरफ ध्यान रहना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। इजी है देखो, वो भी तेरे को ऐसा लगता है। पिक्चर देखते वक्त कैसा होता है, पिक्चर देखते वक्त पिक्चर की फीलिंग आती है। जैसे कल हम लोग गाने सुन रहे थे, तो कल गाना सुन रहा था कहीं दूर जब दिन ढल जाए, है ना, आनंद पिक्चर का गाना है। तो मेरी बेटी को भी वो गाना बहुत पसंद है, वो बोल वो चालू हो गया उसका, वो इंडियन आइडल में चल रहा है, वो भी अपना हम लोग उसको एंजॉय कर रहे थे। तो ऐसा है कि वो गाना जब तुम अलग मतलब अकेले सुनते हो, तुम्हारा दिल टूटा होगा नहीं टूटा होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम अपने आप जोन में चले जाते हो। क्यों? तुमने तो कभी दो प्यार में धोखा नहीं खाया होगा, मैंने भी नहीं खाया, मेरा तो लव मैरिज ही हुआ है। तो फिर क्यों जोन में चले जाते हैं अपन? वो उस गाने की फीलिंग होती है, उसका एक्टिंग होता है उसमें, मतलब ऐसे तो राजेश खन्ना बहुत ओवर एक्टिंग करता है, पर राजेश खन्ना की आंखें नहीं, बहुत खतरनाक काम करती थी उस टाइम टाइम पे उसके, इसीलिए तो बहुत ज्यादा दीवाने लोग थे। तो उसका एक और पिक्चर है आराध्या, नहीं नॉट आराध्या, दैट मूवी कुछ तो लोग कहेंगे, लोग उनका काम कहेंगे। तो उसमें इंडिया के टॉप टू एक्टर्स थे उस जमाने के, विनोद मेहरा। एक कंपटीशन हुआ था राजेश खन्ना, मतलब बहुत सारे लोग नहीं ऐसे कंपटीशन में जाते हैं, एंड देन कंपटीशन हुआ था एक्टिंग का, उसमें दो टॉप के टू एक्टर्स थे, फर्स्ट वाज राजेश खन्ना जिस जो हिट हुआ था, सेकेंड वाज मेहरा। तो राजेश खन्ना तो बूढ़ा भी दिखा दिया उस मूवी में, उसके बाद में विनोद मेहरा वो बच्चा दिखाया। वो उसमें एक वो जिसके पास जाता है क्या शर्मिला टैगोर, उसको नाम से नहीं बुलाता, वो कहाँ है ना, माँ बोलता है ना, आंटी बोलता है ना, कुछ बोलता है। मूवी देखने के बाद पता चलता है हम लोग जोन में चले जाते हैं। तो एक तो क्या ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में रहती है, वो तो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में बड़ी अलग ढंग से बनाई जाती है, तुम मूवीज को देखोगे तो तुमको आइडिया आएगा, कॉमेडी भी हो या बाकी की भी छुपके छुपके पिक्चर है उसकी। तो पिक्चर देखने के बाद हम लोग जोन में जाते हैं, तो उसको डायरेक्टर का क्या बोलते हैं, वीन बोलते हैं। लक्ष्य मूवी देखे, लक्ष्य नहीं क्या है मूवी में, तो मूवी फ्लॉप हो गई, मतलब इसी की फिल्म थी फरहान अख्तर की, मूवी फ्लॉप हो गई, अभी भी चलती, पर नहीं पिक्चर लोगों को नहीं समझ। अभी तुम बताओ मुझे पिक्चर देखिए तो क्या लगे मूवी में, क्या है मैसेज मूवी का? हाँ तो तो हम लोग मतलब हमारे वक्त कॉलेज के वक्त आई थी 2004 की मूवी है, लोग गए मूवी देखने क्योंकि पहले उसकी कहो ना प्यारे पिक्चर आई थी, बड़ी हिट हो गई थी, सब लोग अपने इससे गए कि यार लव स्टोरी होगी, लव स्टोरी नहीं थी, वॉर मूवी होगी, वॉर मूवी भी नहीं थी। लोगों को समझ में नहीं आई कि वो पिक्चर किस लिए थी तब, पर वो पिक्चर किस लिए थी कि हमने अगर कुछ ठान लिया तो उसके लिए कैसे फोकस करना चाहिए, उसके लिए कैसे डेडिकेशन होना चाहिए, इसके ऊपर वो पिक्चर थी, लक्ष्य नाम का मूवी।
तो हम लोगों को बहुत बार मूवीज पता नहीं चलती, कभी कभार डायरेक्टर भी कुछ कुछ पॉइंट्स छोड़ देता हूँ। जैसे एक मूवी आई थी स्वदेश, बड़ी ब्यूटीफुल सी मूवी थी, शाहरुख खान ने एक ही मूवी में अच्छी एक्टिंग की स्वदेश की, लेकिन नहीं सर, जब जब वो शाहरुख खान नहीं था उसी मूवी में, वो शाहरुख खान नहीं था, तो सलमान खान शाहरुख खान जनरली वो सलमान खान शाहरुख खान ही होते हैं, किसी भी मूवी में कैरेक्टर नहीं होते, है ना। सलमान खान अगर दबंग में तो वो सलमान खान एज अ पुलिस इंस्पेक्टर होता है, वो सलमान खान ही होता है, वो ऐसा नहीं होता वो कि वो क्या नाम उसका कैरेक्टर चुलबुल पांडे नहीं होता, वो सलमान खान ही होता है। तो हमेशा याद रखो कि पिक्चर में तुम लोग सक्सेसफुली पिक्चर, कोई भी पिक्चर सक्सेसफुल कब होती है, जब वो पिक्चर का मैसेज एकदम क्लियर कट हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है। तो ऐसे फिर वो सरकार नाम की एक पिक्चर है, तो देखना मूवी इतनी कमाल की पिक्चर, क्या पिक्चराइजेशन है उसका, क्या डायलॉग्स है ना, और बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे बिल्टअप होता है। हाँ, तो तुम लोग तो ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह ना हमको ढूंढना पड़ता है, हम लोग जब अपनी किसी शॉर्ट फिल्म के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं तो हमको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि नहीं इसमें ज़्यादा एम्फेसाइज भी ना हो बैकग्राउंड में, क्योंकि वॉइस ओवर चल रहा होता है। तो अभी अपनी डेजविस पे जाओ और उसके एक आध शॉर्ट फिल्म को निकालो, डॉक्यूमेंट्री बनाइए, उसमें देखा बैकग्राउंड चल रहा है पर बैकग्राउंड बहुत हल्के में चलता है, क्योंकि कहीं कहीं नहीं क्या वॉइस ब्लैंक होता है, ब्लैंक होता है इन द सेंस वॉइस के बीच में गैप होता है, वो गैप को फिलअप करना हो अगर वो उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं रहा तो क्या हो जाता है, नहीं हमारा ब्लैंक हो जाता है, मतलब मूवी क्या चल रहा है उसमें पता नहीं चलता लोगों, क्योंकि फिल्म 3 मिनट की होती है, 3-4 मिनट की, उसमें अपने को मोबाइल, मेरा मोबाइल उधर है ना, तुम्हारी मोबाइल अंदर रखो, तो अपनी मूवी अपने मूवीज में ब्लैंक नहीं आना चाहिए करके बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है। तो कल तुम सतरंगी नाम का एक गाना है, सतरंगी रे दिल से मूवी का गाना है, उसमें सोनू निगम ने गाना बोला है, तो हर बार वो एक जगह पे जाके नहीं क्या बहुत एम्फसाइज देता है, ए आर रहमान का म्यूजिक है, ए आर रहमान बहुत एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक करता है, तुमको पता है ना उसको, उसके बहुत सारे नॉमिनेशन हो चुके हैं ऑस्कर के सर लिए। तो एक 128 आवर्स नाम की फिल्म आई थी, तो 128 आवर्स में एक जगह जाता है बंदा और एडवेंचरसली उसका हाथ फंस जाता है पत्थरों में, तो हाथ को काटता है और फिर वो वहां से निकलता है, उसके ऊपर उसका पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसे धन 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 ऐसे बजता है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक में आदमी, और फिर ऐसी जगह तुम फंसो कभी, तुम लोग वो मूवी देखने के बाद तुम खुद फील करोगे और तुम जाना बंद कर दोगे ऐसी एडवेंचरस जगह। वाह, अरे इतना फंसेगा आदमी ऐसे पहले डर लग बैठ जाता है, तो क्या है सक्सेसफुल हो गया डायरेक्टर ऐसी मूवीज दिखाने के लिए। तो यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। देखो मैं तो तुमको बोलता नहीं हूँ कि तुम शॉर्ट फिल्म बनाओ, बोलता हूँ क्या, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जब कोई तुम्हारे पास एडिटिंग के लिए लेके आए तो तुम्हारे दिमाग में ये सब पता होना चाहिए, कोई आएगा ना तुम्हारे पास कभी ना कभी तो आएगा ही कि भाई मेरे को एडिट करने का, पैसे लोगे तुम उससे 2-4-5 हज़ार रुपये पर मिनट, 2 हज़ार रुपये, 3 हज़ार रुपये पर मिनट, तो ये 2-3 हज़ार रुपये पर मिनट कॉस्ट जो मोबाइल, क्यों मैं बता रहा हूँ ना, मैं जब बताते रहता तब मोबाइल मैं उठाता कि मोबाइल, हाँ तो मोबाइल अंदर रखने का, तो तब तुमको भी ध्यान में रखना है कि म्यूजिक ये 2 हज़ार रुपये पर मिनट हम लोग ऐसा नहीं लेते कि उसके वीडियोज लिए और उसमें लगा दिया, हम लोग इसका लेते स्टोरी, हम लोग उसका बैठा के दे रहे कि नहीं भाई तूने ये शॉट डाला, हाँ ये इसमें डाले तो ज्यादा बेटर काम करेगा, तो हम बताते हैं अपने बैकग्राउंड वाले को कि यार मेरे को टेम्पो हायर चाहिए जब ये एक्शन हो रहा है, तो टेम्पो हायर चाहिए। तो अभी जब तुम पिक्सा बे पे जाते हो, कहाँ जाते हो, तो यहाँ पे देखो तुम लोगों को मिलेगा ऑडियो, फ्री रहते हैं, हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे हमने देख लिया एक्शन, एक्शन डालते हैं, वैसे कंपोजर ने देना चाहिए, किसने देना चाहिए, कंपोजर ने देना चाहिए, पर अभी अपने पास नहीं रहता ना कभी कभी कंपोजर।
नहीं यार मजा नहीं आ रहा है। बिल्टअप कैसे होता है ऐसा? मैं विजुलाइज भी कर सकता हूँ कि इसके साथ क्या क्या आएगा। यहाँ पे बिट सारी चेंज, इफ यू शूट समथिंग तुम इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। एंड में देखना, एंड में और ऐड हो जाता है, टेम्पो और भी बढ़ा बढ़ने वाला है। कभी कभी ऐसे में म्यूजिक भी सुनने का, ये परफेक्ट है। अच्छी बात, जब तुमको ऐसे अच्छी म्यूजिक मिल जाए तब डाउनलोड कर लो उसको, बाकी राह देख मत देखो कि जब मैं करूंगा तब ना। अलग अलग टाइप के म्यूजिक मिलेंगे तुमको, तो यहाँ पे नहीं क्या टेम्पो रहता देखो, है क्या टेम्पो यहाँ पे नहीं है शायद, एनर्जी डालो तो देखो अपने आप एनर्जी वाले आ जाएंगे। तो अगर तुम्हारे पास किसी ने स्पोर्ट्स वाला कोई इवेंट दिया सो कैन यू, वॉलीबॉल बास्केटबॉल क्रिकेट समझे, पॉडकास्ट का इंट्रो। अब ये सब सुनने का भी है, वाई क्योंकि हमको क्या करना है, देखो इसमें लिखा ही है इसने क्या, टाइपोग्राफिक वीडियो। तो अगर तुम्हारे पास कोई कोट्स है वो कोट्स डाल के देखो इसमें, सिंपल कोट्स डालेंगे हम लोग। तो ये फ्री वाले बहुत सारे ऑडियो मिलते हैं, इसके अलावा भी मिलते हैं। मैं एक बार क्या करता हूँ, 10 दस